نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ارزقنا إخلاص اللهم فقهني في الدين يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إلهي أمين جي فقه إسلامي كي بشلي أسباق مسي كوي سوال هي أبقى كوش بوشنا چاته هم سب کچھ سمجھ सारी टर्म्स सारे अल्फाज सारी अलाहत सब समझ आ गया है एक तारीफ आपको याद करने के लिए भी दी थी ऑप्शन है आपके पास आप दोनों में से जो भी तारीफात, में से कोई भी तारीफ याद करना चाहें आप कर सकते हैं तीसरा मरहला लफ़ फिक मतखरीन में पेज नंबर थर्टी सेवन पर हमने असलाही तारीफ पढ़ी थी और पेज नंबर थर्टी एट पर भी थी तो मैंने आपसे कहा था कि आप तारीफ दोनों में से जो भी आपको आसान लगती है वो याद कर लीजिएगा कोशिश की याद करने की ठीक है जिसने नहीं कोशिश की तो वो कोशिश करेगा इस हफ्ते भी ताकि आपको याद हो जाए जी कुछ भी सवाल नहीं है कोई क्वेश्चन नहीं है पेज नंबर थर्टी नाइन पर इनका सवाल है सफा नंबर थर्टी नाइन से कि आमलिया का मतलब है कि इल्म और एत अहकाम शरीयत के उसको अलग करके सिर्फ और सिर्फ अमल का जो ताल्लुक है उसको फिक्र में स्टडी की जाती है इस तारीफ को शामिल किया है मुताख़रीन ने तो दूसरी लाइन जिसमें लिखा हुआ है इसी तरह बाज़ उलमा के नजदीक ओसूल फिक भी अमलिया की कैद से खारिज हो गया तो असूल फिक बेसिकली वो उसूल हैं जिससे फिक डराइव होती है फिक समझी जाती है प्रिंसिपल्स ऑफ फिक उसका ताल्लुक भी इन से है ठीक है तो इल्मी जितनी भी चीजें हैं वो अलग कर दी गई सिर्फ आमल से ताल्लुक रखने वाली चीज एक तो होती है फिक एक है उसूल है फिक क्या फिक कैसे तलाश करेंगे फिर उसको किस आ, मीजान परखेंगे ठीक है ये एक इल्म हो गया जैसे आप लॉ की स्टडी करते हैं तो लॉ की स्टडी क्या है इल्म है थ्योरी है तो इस थ्योरी को भी किससे निकाल दिया गया है फिक की तारीफ से निकाल दिया गया है क्योंकि इसका ताल्लुक अमल से नहीं है ठीक है जी और कोई सवाल किसी का जी पेज नंबर फोर्टी फोर अच्छा उसको फिर मैं इंशाल्लाह पूछती हूँ यहां तक जितना हमने पढ़ा था उसमें से कोई सवाल है जी मैंने आपको जो पढ़ने के लिए दिया था घर से दीन और मजहब में फर्क सफा नंबर बयालीस से फोर्टी टू से फोर्टी सिक्स तक इसमें कोई सवाल है किसी का जी आपका सवाल है पेज नंबर फोर्टी फोर पर सबसे सबसे लास्ट लाइन इस वक्त इनके लिए शर्यी हुक्म है जी लेकिन अगर आप ये जानना चाहें कि मुसलमान जब अपने आप को गैर हुक्मर हैसियत में पाए तो उस वक्त उनके लिए क्या हुक्म है तो इसका वाजे जवाब आपको मौजूदा मुदअन फिक में नहीं मिलता जी क्या सवाल है इसके मुतालिक आपका मुद्वन तदवीन शुदा कंपाइल जो फिक हो गई है ना एक जिस दौर में जारी है और वो किस दौर की है खिलाफत उस्मानिया की है और आलमगीर बादशाह जो एक मुगल एम्पायर का एक बादशाह था उसके दौर में जो कंपाइल हो गई वही आज तक राइज है तो ये उसी की तफसील बता रहे हैं कि खिलाफत अब्बासिया और खिलाफत उस्मानिया में जो फिक बनी थी उसमें मुसलमानों का काूज का दौर था मुसलमान बादशाह थे हुक्मरान थे सलातीन थे सुल्तान की जमा सलातीन होती है खिलाफत थी उस वक्त तो उस वक्त मुसलमान जब बादशाह थे तो तो सारे रूल्स हैं लेकिन जब अब मुसलमान महकूम हो चुके हैं इस वक्त तो उनके लिए क्या फिक होनी चाहिए वो चैप्टर्स इन फिक में मौजूद नहीं है इससे अगला वाला जुमला मौजूदा मसाइल में अहले इस्लाम को महदी मुंतजर की आमद भी कोई फायदा नहीं दे सकती यानी उसमें जो मसाइल लिखे हुए हैं उसमें महदी की आमद की कोई जरूरत ही नहीं है महदी की आमद की जरूरत कब होगी जब मुसलमान बिल्कुल महकूम हो चुके होंगे तो उनको जमा करने के लिए खलीफा की जरूरत होगी जबकि खिलाफत उस्मानिया में और आलमगीर के दौर में मुसलमान उर्ज पर थे तो उसमें उस हिसाब से फिक्र लिखी गई क्योंकि मुसलमानों के उस वक्त के दौर के मसाइल के एतबार से फिक्र लिखी गई तो इस वक्त जब मुसलमान महकूम हैं तो उनको क्या करना चाहिए और आगे भी अगर मुसलमान महकूम रहते हैं या मजीद होते जाते हैं चक्की में पिसते हैं तो उनको क्या करना चाहिए ऐसा ही वक्त होगा जब इमाम महदी आएंगे हम्म और दूसरी बात मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताई थी कि यहां तक इल्जाम लगा दिया गया है कि इमाम महदी आएंगे तो हमारे फिक को फॉलो करेंगे तो फिर तो महदी के मुंतजर होने का फायदा ही नहीं क्योंकि अगर वो आकर इसी फिक को अगर अप्लाई करेंगे तो वो तो ऑलरेडी है ठीक बेटा समझ आ गया आपको जी कोई और सवाल इन इस्पात में से कोई सवाल नहीं कोई लफ्ज मुश्किल लगा हो जी बिल्कुल हम इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे शरीयत पढ़ेंगे ना तो शरीयत और फिक का हम मवाज़ना पढ़ेंगे अच्छा ये अजवाक मैंने आपको घर से पढ़ने के लिए इसलिए भी दे दी थी क्योंकि ये काफी आसान थे सहल थे समझना इसको आसान है और आप अपनी तफसीर की क्लासेस में भी इसको पढ़ चुके हैं दीन और मज़हब का फर्क इसके अलावा उलूमुल हदीस में भी आपने पढ़ा है तो इस वजह से मैंने आपको पढ़ने के लिए दे दिया था ठीक है अच्छा इस इससे पिछला जो बाब है उसको हम मुकम्मल कर लेते हैं और फिर जितना आपको पढ़ने के लिए दिया था उसके बाद वाला हिस्सा हम शुरू करेंगे पेज नंबर फोर्टी पर हम पढ़ रहे थे अदिल्ला ये जो फिक्र की तारीफ उलमा ने की है उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज थी, थी कुछ टर्मिनोलॉजीज थी कुछ असिलाहत थी जिसकी तफसील बताई जा रही थी उस तफसील को हम पढ़ रहे थे जिसमें हम अदिल्ला पर पहुंचे थे दलाइल जिसे प्रूफ एविडेंसेस या इंडिकेशन कहा जाता है जिसे क्या कहा गया था कि लगत में दलील किसे कहा जाता है मुर्शिद और रहनमां को कहा जाता है फिर सारी डिटेल हमने पढ़ी थी और फिर हमने यहाँ तक पढ़ा था कि कयास की तारीफ अकसाम और उसकी शराइ सेहत वग़ैरह क्या है फिर मैंने आपको एक स्टेटमेंट पढ़ाया था जिसके बाद मैंने आपको कहा था काट लीजिए लेकिन इसको भी हम पढ़ेंगे ठीक है तो इसको भी शामिल कर लीजिए अबुल कासिम मोहम्मद बिन अहमद बिन जुजई मुतव सेवन फोर्टी वन ने तकरीबुल ये इनकी किताब है इसमें मुतफा और गैर मुतफिका मसादिर की तफसील देते हुए इनकी तादाद बीस बताई है यानी फिक के जो मसादिर हैं सोर्स हैं उन सब की तादाद इन्होंने मुतफिका और गैर मुतफा किसे कहेंगे कि जिन पर तमाम उलमा मुतफि हैं वो मुतफा में आ जाएगा और गैर मुतफिका वो है जिसमें कुछ उलमा मानते हैं उन मसादिर को और कुछ पर मुतफ जो नहीं है तो वो गैर मुतफिका में आ जाएंगे ठीक तो इनकी कुल तादाद बीस बताई गई है ये अदिल्ला दो किस्म के हैं यानी ये दलाइल जिनसे शरीयत के प्रूफ लिए जाते हैं ये कितने हैं दो किस्म के हैं अदिल्ला अकलिया और अदिल्ला नकलिया अदिल नकलिया ये किताबो सुन्नत हैं हदिल नकलिया क्यों कहा जाता है इसको कि ये मनकूल होते होते हम तक पहुंचे हैं नकल होते होते हम तक पहुंचे हैं आपने जमाए कुरान पढ़ा कुरान में आपने जमाए हदीस पढ़ा उलूंगल हदीस में तो ये इल्म किस तरह जमा हुआ किस तरह लिखा गया किस तरह याद किया गया तो ये लिखते लिखते नकल होते होते मुंतकिल होते होते नस्ल दर नसल जो हम तक पहुंचा है तो इसे क्या कहा जाता है अदिल् नकलिया क्यामत तक की नस्लों तक ये मुंतकिल होता जाएगा ये सुन्नत हैं और इनकी जेली मुख्तलिफी अदिल्ला है यानी सेकेंडरी अदिल्ला जो मुख्तलिफी जिस है जिसमें अख्तिलाफ है का दो तो मुतफिका है कौन कौन से सुन्नत जिसमें किसी का कोई नहीं ऊपर हमने पढ़ा ना कि कुछ मुतफिका हैं और कुछ गैर मुतफा हैं तो नकलिया में से मुतफिका कौन से हैं किताब सन्ना इसको तो हर कोई मानता है इनके जैली मुख्तलफी अदिल्ला हैं, सेकेंडरी हैं कौन कौन से इजमा जिसको हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं मजीद तफसील से आगे पढ़ेंगे र्फ हम पहले की शरीय और कौले सहाबी वगैरह ये र्फ क्या होता है र्फ बेसिकली किसी भी माशरे में या किसी भी इलाके में बोले जाने वाले अल्फाज के खास मानी होते हैं जिनसे मुख्तलिफ माना निकाले जाते हैं माना समझे जाते हैं जिसको र्फ कहा जाता है मसलन माल का लफ्ज शहरी लोग माल का माना क्या करते हैं वेल्थ दौलत जबकि अगर गांव में चले जाएं तो माल का माना होता है जान इसी तरह और बहुत से अल्फाज हैं जिसको उर्फ में आते हैं मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मायना रखते हैं तो जब ये अल्फाज मुख्तलिफ माखिज में मिलते हैं कुरान और हदीस में मिलते हैं तो वो अपने अंदर मुख्तलिफ मायना रख के वसत पैदा करते हैं दीन में इसको भी हम इनशा आगे पढ़ेंगे और दूसरा एक और माखजमा के बाद उर्फ हमने पढ़ा और तीसरा हमसे पहले की शरीयत जैसे हजरत मूसा सलाम की शरीयत थी सलाम की शरीयत थी हजरत इब्राहिम की शरीयत थी वो शरीयत जिसको कुरान और हदीस ने बाकी रखा उससे भी इस्तला लिया जा सकता है जिसका जिक्र कुरान में भी मौजूद हो जैसे कुरान पाक में आप पढ़ते हैं कद अफलहमन तजा वजमा रबी फसल बल तो फिरत दुनिया वैरू व अब का फिर आगे अल्लाह क्या फरमाते इन नहाजा ये सब लफि कौन से सुफ़ में सुफी इब्राहिमा तो उनकी शरीयत में भी ये वाले तमाम चीजें जो पाई जाती थी वो कुरान में जिक्र है तो ये कुरान और हदीस में जितने भी पहले शरीयत के आकाम जिसकी तस्दीक हो जाती है उनसे भी इस्तला लिया जा सकता है इसी तरह बहुत से वाक़ आप ने अपने अब को सुनाए पिछली शरीयतों के तो वो भी हमारे लिए अदिल्ला हैं उससे भी इस्तला लिया जा सकता है ठीक है तो ये भी नकलियाँ हैं ये भी मुंतकिल होते आए हैं हम तक और कौले सहावी सहाबी जब कुरान और हदीस खामोश हो किसी मसले में और क़ौल सहाबी मिलता हो तो वो भी मुंतकिल होता है उम्म तक आगे तो ये भी एक अदिल्ला है हैदिल नकलिया है यानी ये रिवायात तो नकल के जरिए हम तक पहुंचते हैं ये अदिल नकलिया किसके जरिए हम तक पहुंचते हैं रवायात के जरिए और नकल के जरिए लिख कर मुंतकिल हुए हैं दूसरा दिल्ला अदिल्ला अकलिया अक्ल का इस्तेमाल करके जब इस्तलाल किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है अदिल्ला अकलिया एक तो नकलिया थे जो रिटन टेक्स्ट मौजूद है आपके पास प्रूफ है कुरान और हदीस का है इसके अलावा इसके जैली जो भी हमने पढ़े वो हैं और अब क्या है आप अकिल को इस्तेमाल कर रहे हैं अकल सलीम को जहां पर हम फ में अकल की बात करेंगे तो वहां अकल सलीम ही होगा क्योंकि जो अकल सलीम नहीं वो फिक को खराब कर देगी फिर वो माखिज नहीं बन सकती तो वो क्या क्या है क्यास है मसालसल इससान सदराय इसब जैसे अदिल्ला है इन सब का ताल्लुक अकल से है क्यास हम मैंने आपको पिछली क्लास में इसका मुखसरा तारफ दिया था इन सब की डिटेल मजीद आगे आएगी कुछ थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ मसाले मुरसला जिसमें इंसान के फायदे की बातें हों बताती हो कि इससे इंसान का फायदा है तो ये दलील लेनी चाहिए ये काम इस तरह करना चाहिए इस मसले को इस तरह हल करना चाहिए जिसमें इंसान की असलाहत हो मसलेहतें हों इंसान का फायदा हो कहते हैं किसी शय को अच्छा समझना हुसन से है किसी शय को अच्छा अकल बता रही हो उसको दलील बना के किसी मसले का हल निकालना सदे जरा कहते हैं प्रिकॉशंस को यानी रुकावटों को दूर करना पहले ही से रुकावटों को दूर कर लेना पहले ही से ताकि नुकसान से बचा जा सके मसलन इसकी दलील क्या है कि प्रिकॉशंस भी हो सकती हैं अदिल्ला अकलिया कुरान पाक में अल्लाह सुन्नत फरमाते हैं वला जिना अल्लाह क्या कहते हैं वला जिना ये नहीं कहता वला ज़िना जिना के करीब भी नहीं जाओ क्योंकि जिना के करीब जाना क्या आपको किस में डाल देगा जिना करने में डाल देगा आप हराम के मरतकब हो जाएंगे तो प्रिकॉशंस है ना वला तक उस जिना के, के करीब भी मत जाइए जो आपको चीजें जिना के करीब ले जाती हैं उसके पास भी ना जाए जिना तो बहुत दूर की बात है ये प्रिकॉशंस इस सदे जराये में आते इसी तरह बास पाबंदियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से खराबी से बचा जाए तो वो प्रिकॉशंस सदे जराए कहलाते हैं इसके अलावा इस अकली दलील को कहते हैं इसको भी इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे तो ये सब क्या है अकलिया हैं अकल इनसे दलाइल लेकर पेश करती है और ये तमाम अदिल्ला भी मुख्तलफ फी हैं इसमें इख्तलाफ पाया जाता है कुछ उलमा मुत्तफिक हैं और कुछ मुत्तफिक नहीं हैं बाज़ बाज़ को मानते हैं और बाज़ बाज़ को नहीं मानते हैं ये अदिल अकलिया की जरूरत क्यों पड़ती है कि जब इंसान कुरानी आयात अहादीस पढ़ता है फिर पढ़ने के बाद जब वो गौर फिक्र करता है तदब्बर करता है तो उसके लिए और मजीद राहें खुल जाती हैं अकल भी वो इस्तेमाल करता है तो मजीद और उसका किसी भी काम को करना उसके लिए प्रिकॉशंस करना अपनी जिंदगी को आसान बनाना शरीयत पर अमल करना और सहल हो जाता है तो कुछ दलाइल होते हैं जो अकल से निकाले जाते हैं तो उनकी तफसील अदिल अकलिया में पढ़ेंगे इन अब अदिल तफसीलिया किसे कहा जाता है जो तारीफ में ये असिलाह थी आयात किताब सुन्नत क्या है अदिल् तफसीलिया है वो नसूस जो किसी भी मुन मसले के बारे में यानि किसी खास मसले के बारे में दलील और हुक्म की तफसील बता दें उन्हें अदिल्ला तफसी कहते हैं मसलन इसकी मिसाल दी जा रही है अकीमह नमाज कायम करो ये आयत तफसीली दलील है किस बात की कि जो एक मखसूस मसला नमाज की एकामत के बारे में हुक्म दे रही है तो ये वाली आयत अदिल्ला तफसीलिया है जो हुक्म भी बता रही है और दलील भी बन रही है तो अब इस स्टेटमेंट को पढ़िए कि वो नसूस यानी वो टेक्स्ट वो कुरानी आयत या वो हदीस का टेक्स्ट जो किसी भी मुन मसले के बारे में दलील और हुक्म की तफसील बता रहे हैं उन्हें अदिल्ला तफसी कहते हैं दूसरी मिसाल क्या दी गई है आतो हक कहो या उम हसवा दे और फसल काटने के दिन उसका हक अदा करो ये किस बात की दलील है ये भी एक और मखसूस मसले उशर का हुक्म बता रही है और इसकी दलील भी है इसी तरह एक और भी हमारे पास मिसाल है वह कुलू व श्रभु है तबयनाक अब यदो मिनल खतुलज खाओ और पियो यहाँ तक कि सफेद धारी काली धारी से फजर की जाहिर हो जाए ये भी एक खास मसले की तफसीली दलील है और वो सहरी फजर तक खाना है इनमें हर आयत फिक्र के मुख्तलिफ अबवाब में से एक मुन बाब के बारे में हुक्म बता रही है मसलन पहली दलील की तरफ अगर आप गौर करें वाकई मुसला किसकी दलील है नमाज कायम करने की कोई अगर आपसे ये कहता है कि नमाज कहां लिखा हुआ है कुरान पाक में फर्ज है क्या कहेंगे आपको कहीं कुरान पाक में लिखा हुआ मिला कि नमाज अदा करना फर्ज है नमाज कायम करना फर्ज है आप कैसे बताएंगे अकीमो के में फेले अमर है ये तो फेले अमर से पता चला कि ये दलील है फर्जियत की कि नमाज फर्ज है नमाज की इकामत नमाज को कायम करना फर्ज है इसी तरह ओशिर कटाई के दिन फसल जब तैयार हो जाती है और काटी जाती है तो उसी दिन उसका दसवां हिस्सा निकाला जाता है जिसे ओशिर कहा जाता है कि गरीबों में तकसीम करो कोई आकर कहते हैं इसकी क्या दलील है कि ओशिर फर्ज है तो क्या है वह आ फेले अमर है आपको अगर ग्रामर याद हो अरबी ग्रामर हमने पढ़ी थी जिसमें हमने फेले अमर पढ़ा था ऑर्डर के लिए जो सीगा इस्तेमाल होता है उसे फेले अमर कहा जाता है यहां पर शार यानी अल्लाह सुबहान तला जो शरीयत बयान करते हैं वहां मुक़ल्लफ को ये हुक्म दे रहे हैं फेले अमर के जरिए इसी तरह कुलू व श्रोबो खाओ और पियो कब तक जब तक फजर जाहिर ना हो जाए तो सहरी का वक्त कब तक है इसकी क्या दलील है ये वाला हिस्सा कि कब तक खा पी सकते हैं फजर तक जैसे ही फजर की धारी फजर का वक्त शुरू हो जाए सहरी का वक्त खत्म हो गया ये इस बात की दलील है इसी तरह अगर कोई आपको नमाज के वसाइल के बारे में पूछता है या आप नमाज के मसाइल के बारे में पूरी फिक्र जमा करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कुरान पाक में जितनी भी आयात नमाज के मुतालिक है जितनी भी आयात वो सब आप जमा कर लेंगे अहादीस में जितनी भी अहादीस आपको मिलती हैं, वो सब आप जमा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास नमाज की पूरी एक फिक्र आ जाएगी और वो जो आपने कुरानी दलाइल और अहादीस के जरिए दलाइल जो कुरानी टेक्स्ट और अहादीस के टेक्स्ट नसूस जमा किए वो क्या है आदिल तफसी हैं वो हुकुम भी बता रही हैं और वो दलील भी है अब इस हुकुम को एक उसूल फिक के जरिए ये बताया जाता है कि क्या फर्ज है क्या मुसहब है क्या मकरू है क्या हराम है ये सब उसके जमीन में आते हैं तो आप समझ रहे हैं बात को कि क्या अदिल तफसीलियां हैं इनमें हर आयत फिक के मुख्तलिफ अफवाब में से फिक के जितने भी चैप्टर हैं उसमें से एक खास चैप्टर के बारे में हुकूम बता रही है दैट मजीद आगे पढ़ेंगे तबसरा इससे पहले ऊपर की एक लाइन इस्लामी फिक्र के ये सब दलाइल तबसरा के ऊपर लास्ट लाइन है इस्लामी फिक के ये सब दलाइल अपने मसाइल के साथ बतौर दलील हमरा होते हैं जितने भी मसाइल हैं दलाइल उनके साथ यानी जहां मसला होगा वहां दलील होगी ये साथ साथ चलते हैं तबसरा आप करते हैं यानी जितनी खैर कुरून में आपने दो तारीफा पढ़ी और इसकी मुख्तलिफ अहत की वजाहत पढ़ी अब उस पर तबसरा कर रहे हैं मुताे तारीफ फिक सुन्नत या मुतदमीन के यहाँ अभी मतदमीन कौन हो गए मुतान के ऑपोजिट खैरुल कुरून तो आप कहीं भी अगर मुतदमीन लिखेंगे तो के उलमा होंगे और मुतान पढ़ेंगे तो कुरून के बाद के उलमा तो मुताखरीन की ये तारीफ़ फिक़ व सुन्नत या मुतद्दम के यहाँ वारिद लफ्ज़ फिक के मफहम के मुकाबले में बहुत ही महदूद है लिमिटेड है। इससे ज्यादा वसी तारीफ किस में है कुरान सुन्नत में है और मुतकदमी की तारीफ में है क्योंकि सुन्नत में लफ्ज फिकरियत और अकीदे दोनों को शामिल है क्योंकि शरीय किस किस चीज को डिस्कस करती है अकीदे को भी अखलाक को भी आमल को भी और इन को भी जबकि मुतान के नजदीक फिक में सिर्फ और सिर्फ क्या डिस्कस किया जाता है आमल के मुतालिक अच्छा एक और मुगालते का मैं आ, एक और मुगालता जहन में आ गया था किसी स्टूडेंट के वो ये समझ रहे हैं कि मुतान के दौर में जो तारीफ की गई वो गलत है तारीफ गलत नहीं है तारीफ महदूद कर दी गई है उसमें से अकीदा अखलाक इल्म को निकाल दिया गया है फिक में सिर्फ और सिर्फ क्या शामिल कर दिया मुकल्लफ के अमाल उन अमाल का सोर्स भी यही है कुरान और सुन्नत ठीक है तो ये तारीफ गलत नहीं है ना मुकम्मल है महदूद है तो यह इसका तबसरा है जैसे इमाम हनीफा ने फिक्र की यह तारीफ की मरिफा तो नफ्स मां लहा वमा और इसका यहां पर बेहतरीन तर्जुमा किया गया है यानी नफ्स की क्या जिम्मेदारी है और क्या नहीं एक नफ्स को एक जान को क्या करना है और क्या नहीं करना यानी आप अपने लिए यह जान लें कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना तो यह आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है और यह आपने फिक हासिल कर ली मैंने यह जान लिया कि मेरे ऊपर क्या जिम्मेदारी है मेरी जान की मेरे नफ्स की कि मुझे क्या करना है और किससे बचना है तो ये एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव तारीफ अमामफा ने दे दी है इसकी मार्फत का नाम फिक है दरअसल जिनमें अल्लाह तला के सिफात, उसकी वहदानियत और तमाम नक़ाइ से उसके पाक होने का इकरार उसकी खशियत हुकूक़ की मार्फत और अम्बिया और रसुल की मार्फत जहाँ शामिल है वहाँ अखलाक व आदाब का इल्म और सच्ची बंदगी के लिए महज अल्लाह तला के लिए क्याम वगैरह भी शामिल है जिसे इल्म तो कहते हैं अभी तक आपने मुताखरीन में फिक्र की जो तारीफ पढ़ी उसमें ये कहीं डिस्कस हुआ कि तौहीद क्या होती है तौहीद किसे कहते हैं रिसालत किसे कहते हैं अल्लाह की इबादत के लिए खुशी वजू हो नहीं फिक्र में ये कि आपको कहाँ हाथ बांधने हैं क्या पढ़ना है क्याम में नमाज के अगर फिक्र है तो आपको रुकू कैसे करना है रुकू में आपको कौन सी दुआएं पढ़नी है कितनी बार रुकू करना है एक रकत में सजदे कितने हैं सजदे का तरीका क्या है ये सब क्या बताती है आपको फिक्र बताती लेकिन मुतकदीम जो थे उनके यहां अकीदा भी शामिल था और अखलाक भी शामिल था और अमल भी शामिल था तो आप समझ पा रहे हैं कि क्या मैं आपको बयान करना चाह रही हूँ क्योंकि लास अब लास्ट में तब्सरा पढ़ रहा है इसलिए कि अकीदे का सही फहम ना हो या वो खराब हो तो फ्रोई मसाइल की ऐसे बाकी क्या रह जाती हैं जिसका अकीदा ही खराब हो वो जितना ही इलम हासिल करता रहे जितना ही फिक का माहिर बन जाए अकीदा अगर खराब है तो उसके इल्म का कोई फायदा नहीं नोट दूसरी लाइन से पढ़ेंगे आखिर से मुताखिर फका की गालिब अक्सरियत यही माना लेती है नीज इनके नजीक आका शरिया का ताल्लुक अमल यानि इबादात और मामला से होता है ना कि अकायद व ईमानियात और, और अखलाक से ये उसी बात को यहां पर दूसरे अल्फाज में तहरीर कर दिया गया ये आकाम गौर इस्तदलाल का नतीजा होते हैं यानि ये आकाम किस बात का नतीजा होते हैं गौरव फिक्र और इस्तदलाल का महज नकाली या बेसोची समझी बात नहीं होती यानी ये मसायल बायदा कुरान सुन्नत से अखज किए जाते हैं इनका हल निकाला जाता है और आपने बहुत सी किताबें पढ़ी होंगी अगर आपने इकबाल बाल की लानी की सीरीज पढ़ी है तो उसमें क्या होता है पहले मसला लिखा हुआ होता है फिर उसके बाद क्या होता है दलाइल लिखे लिखी हुआ तो अब आपको जितनी भी फिक्की किताबें मिलती हैं तो उसमें क्या होता है मसला और दलाइल साथ साथ चलते पहले मसला बता दिया जाता है और फिर उसके बारे में दलाइल बता दिया जाता है कि यही बात की जा रही है कि महज नक्काली या बेसोची समझी बात नहीं होती मसलन हुर्रिमा चाल महातु कुम ये कुरान पाक की आयत का टेक्स्ट है तुम पर तुम्हारी माए हराम कर दी गई इस आयत में मसला क्या है किस बात को डिस्कस किया गया है माओ के साथ निका का मसला के आया माओ के साथ निका किया जा सकता है या नहीं तो हुर्रमत का लफ्ज क्या बता रहा है इस मसले के बारे में एक मुक्रा हुक्म को बताती है यह आयत वो हुक्म है हुर्रमत अलैकुम उम जो एक दलील है कि माह से निकाह हराम है तो ये दलील आपको क्या दे रही है एक मसला जो सामने आता है उसका हल दे रही है क्लियर है आपका कोई सवाल है वो सिर्फ अदिल्ला बताया गया है कि दलील किसे कहते हैं दलील ये दोनों चीजें होंगी इनका सवाल ये कि हमने यहां पढ़ा अदिल्ला नकलिया में भी किताबों सुन्नत है और, और अदिल तफसलिया में भी किताब किताबों है बहुत अच्छा सवाल है बारकल्ला बेसिकली पहले हमने यानी दलाइल किसे कहा जाता है तो दलाइल की दो अकसाम बता दी गई कि एक नकलिया है और एक अकलिया है इन दोनों के जरिए आप क्या निकालते हैं फिक निकालते हैं अब आपको अदिल तफसीलिया इस आयत में आया था और oh, सॉरी इस डेफिनेशन में आया था अदिल तफसीलिया डेफिनेशन में आया था आपके तो अब अदिल तफसीलिया क्या होता है तो उसको बताया गया है कि वो क्या है बेसिकली कुरान कुरानो सुन्नत है दलाइल है जिसके जरिए से क्या किया जाता है जीली माखिज निकाले जाते हैं इजमा करते हैं तो भी क्या लेते हैं कुरानो हदीस को बेस बनाते हैं क्यास करते हैं तो भी क्या करते हैं अक्ल का बेशक ज्यादा इस्तेमाल होता है लेकिन हमें आपको कयास में क्या बताया था एक चीज को दूसरी चीज से सिमिलर किया जाता है तो वो सिमिलारिटी मिलती कहां से कुरानों सुनना से मिलती है ना ठीक है क्लियर है